गुड इवनिंग एवरीवन। आपके डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक एमसीक्यू तैयार की हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं। फर्स्ट है, डैश आर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आपको पता है अभी जब भी हमें फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो उसके लिए अम्बर कलर जो बोतल है उसका यूज़ किया जाता है। तो आप लिख दोगे अंबर कलर बोटल्स, इनका यूज़ किया जाता है स्पेशली। दूसरा है, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो दो इसके कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों बेस पे काम करता है। इंडियन फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955। ये बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। द डैश ड्रग कैन नॉट बी फेल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। जो ड्रग होती हैं, जो पाउडर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, ऐसे पाउडर जो मॉइस्चर को इजिली गेन कर लेते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर फिल नहीं कर सकते। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डैश प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी स्मॉल पाउडर पासिस थ्रू डैश नंबर सीव्स, बिल्कुल फाइन होगा तो 120 नंबर सीव से अगर वो क्रॉस हो रहा है तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर है। बीपीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है भाई। द कंसेंट्रेशन सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज़ कितनी होती है भाई? 66.7% वेट बाय वेट, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। उसके बाद है भाई, सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज इज कंसंट्रेशन कितनी है भाई? अभी मैंने बोला था 66.7% वेट बाय वेट, ये देखना है इसमें, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम बाय ये सब गलत है, तो वेट बाय वेट रखते हैं उसमें। ग्लिसरीन इज यूज्ड इन एलिक्सर एज ए व्हीकल यूज किया जाता है एज ए सोलवेंट। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट इज यूज इन एलिक्सर एज प्रिजर्वेटिव। सोल्यूशन आर विच टाइप ऑफ लिक्विड, सोल्यूशन क्या है भाई? मोनोफेजिस लिक्विड होता है। सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट भी होता है, सोल्यूट भी होता है और को सोलवेंट, चारों ही होते हैं, ये तीनों ही होते हैं, मतलब सोल्यूट, सोलवेंट और को सोलवेंट। तो ऑल ऑफ दीज इमल्सन इज डैश लिक्विड, बाईफेजिस लिक्विड होता है इमल्सन। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, कैस्टर ऑयल इमल्सन इज डैश टाइप ऑफ इमल्सन, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होता है। गमक एसिड इज यूज एज डैश इन इमल्सन, इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद है, कैस्टर ऑयल इमल्सन इज यूज एज लैक्सेटिव्स, इमल्सिफाइंग एजेंट इज डैश इमल्सिफाइंग एजेंट अकेशिया। लोशन आर अप्लाइड ऑन स्किन, लोशन को अप्लाई किया जाता है विदाउट फ्रिक्शन। बेंटोनाइट इज यूज एज डैश इन लोशन, बेंटोनाइट का मेन काम होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद है भाई, लेबल्स ऑफ लोशन कंसिस्ट, लोशन के लेबल के अंदर क्या क्या होता है भाई? लोशन जो भी होगा उसको हमें सेक वेल बिफोर यूज भी करना होता है, एक्सटर्नल यूज, ये दोनों ही है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है जी, क्योंकि इसमें दोनों ही आ जाती हैं, सेक वेल बिफोर यूज, यानी बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर है। ऑइंटमेंट आर डैश टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट सेमी सॉल्यूट प्रिपरेशन है। ऑइंटमेंट इज अप्लाइड टू द स्किन, ऑइंटमेंट को अप्लाई किया जाता है विद फ्रिक्शन। लिनिमेंट इज अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन। सिंपल ऑइंटमेंट बेस इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड? ट्राइचुरेशन मेथड। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वॉज ओपन्ड इन, फर्स्ट फार्मेसी शॉप बगदाद के अंदर। फार्माकोपिया के एडिशन आपको सभी पता होना चाहिए भाई, आप देख लेना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ और एट, सभी एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुए थे, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया,
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1820, फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी फॉर्मुलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1888, सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर एनक्लोज आर मेड अप ऑफ जेलेटिन, द कंसिस्ट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर वो होता है सोल्यूट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज सोलवेंट। उसके बाद अभी नेजल ड्रॉप्स शुड हैव पीएच 5 to 6, नेजल ड्रॉप्स आर आइसोटोनिक, एलिक्जर्स आर हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स, लीनिमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन डैश स्किन ब्रोकन स्किन, इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज सैक्राइन, द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन शुड बी रेंज 0.5 to 5 माइक्रोन, द सस्पेंशन विच आर इंस्टॉल्ड इन टू द आई शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रीटीनेस, इन ऑयल इन वॉटर इमल्सन डैश इज इन डिस्पर्स फेज, ऑयल डिस्पर्स फेज में रहेगा, वॉटर वहां पर कंटिन्यूस फेज में रहेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस डैश बिटवीन टू फेजेस, सरफेस टेंशन। उसके बाद है सपोजिटरीज आर डैश डोजेज फॉर्म, सपोजिटरीज क्या होती हैं भाई, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, द सी इज सीजीएमपी स्टैंड्स फॉर, सी का मतलब है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मेटल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सी इज स्टेनलेस स्टील, स्क्रीन नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ मैसेज इन लीनियर लेंथ ऑफ 25.4 mm, नोमिनल अपर्चर साइज ऑफ इंडिकेट्स, नोमिनल अपर्चर साइज क्या होता है भाई, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट साइट। उसके बाद व्हाट इज द अपर्चर साइज ऑफ सीव नंबर 22, 710 माइक्रोन, ये कई बार आ चुका है अपर्चर साइज भी, कोई सी भी सीव का पूछ सकते हैं, तो आपको अलग अलग सीव का वहां पर अपर्चर साइज पता होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल मिक्सिंग इक्विपमेंट फॉर टू इमिसिबल लिक्विड, टू इमिसिबल लिक्विड को अगर आपको मिसिबल करना है तो उसके लिए सिल्वरसन इमल्सिफायर बेस्ट है, सिल्वरसन मिक्सचर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फॉर सस्पेंशन और स्लरी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट थ्रू द फिल्टर केक इज डैश टू द थिकनेस ऑफ द केक, थिकनेस केक के जो फ्लो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, थिकनेस ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम रहेगा, फिल्टर एड आर एडिड टू लिक्विड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। थैंक यू, डैट्स इट।